सुधाप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला कारक है द्रव की प्रकृति। जो द्रव अधिक वाष्पशील होते हैं उनका वाष्पदाब अधिक होता है, मतलब जो द्रव जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं उनका वाष्पदाब क्या होगा? ज्यादा होगा। द्रव की वाष्प आसानी से बन जाएंगी उसका वाष्पदाब कैसा होगा? ज्यादा होगा। जिस द्रव के अणुओं के मध्य अंतराणु बल कम होता है, अंतराणु बल क्या होता है? अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अंतराणु बल। वह बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, अतः उनकी वाष्पदाब भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यदि इनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उनका ऐसे द्रवों का क्वथनांक भी क्या होता है? ज्यादा होता है, जिससे इनकी वाष्प क्या होंगी? कम बनेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस द्रवों का क्वथनांक ज्यादा होगा वह कम वाष्पशील होते हैं। तो द्रव की वाष्पशील प्रकृति और द्रव के क्वथनांक के बीच में कैसा संबंध होगा? द्रव की वाष्पशील प्रकृति द्रव के क्वथनांक के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। द्रव के क्वथनांक के, ठीक है, जिस द्रव का क्वथनांक ज्यादा होगा उसकी वाष्प कम बनेगी। तो जब वाष्प कम बनेगी तो क्या होगा? वाष्पदाब भी कैसा होगा? कम होगा। दूसरा कारक है तापमान। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर उसके वाष्पदाब में भी क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। जब हम किसी द्रव के ताप में वृद्धि करते हैं तो उनके अणुओं के बीच में बल कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जिससे क्या होगा? उन अणुओं की गति तेज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं किसी द्रव के तापमान में वृद्धि करने से उसके अणुओं की क्या होगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा और तापमान एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और जब अणुओं के बीच गति ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनके बीच लगने वाला अंतराणु बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वाष्प बनेगी। और जब ज्यादा वाष्प बनेगी तो क्या होगा? वाष्प दाब भी ज्यादा होगा।